एक बार दरवाजे खुल गए तो फिर बहुत बड़ी संख्या में पाकिस्तानी और बांग्लादेश से लोग भारत में आने लगेंगे। हमारे रोजगार उनके बच्चों को देना चाहते हैं, हमारे हक के घर उनमें पाकिस्तानियों को बसाना चाहते हैं। कि ये पूरा का पूरा खेल वोट बैंक बनाने की गंदी राजनीति है। सीए पर जो भी बात बीजेपी ने छुपाई, अरविंद केजरीवाल ने उसे बताई। सीए के लागू होने के बाद कुछ लोग इसका समर्थन कर रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं। वहीं इन सभी के बीच में सीए को लेकर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने उन सभी बातों को उजागर कर दिया जिसे बीजेपी ने नहीं बताया था। नमस्कार, मैं हूं आशीष सिंह आनंद और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। ममता बनर्जी, स्टालिन समेत कई मुख्यमंत्रियों ने इस कानून को राज्य में लागू करने से इनकार कर दिया। इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। उन्होंने कहा है कि इस कानून के लागू होने के बाद 1947 से भी बड़ा माइग्रेशन होगा। एक बार दरवाजे खुल गए तो फिर बहुत बड़ी संख्या में पाकिस्तानी और बांग्लादेश से लोग भारत में आने लगेंगे। आज बीजेपी कह रही है 2014 के पहले आए हुए लोगों को ही नागरिकता दी जाएगी। देख लेना, अगले चुनाव में ये बीजेपी वाले इस तारीख को बढ़ा के 2024 कर देंगे कि 2024 के आए हुए पहले वाले लोगों को दी जाएगी और फिर इसे और आगे बढ़ा देंगे। सरकार पर हमला करते हुए केजरीवाल ने कहा कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में से लगभग 2.5 से 3 करोड़ अल्पसंख्यक वहां रहते हैं और एक बार भारत अपने दरवाजे खोल देता है तो वो इन देशों से बड़े पैमाने पर लोग जो हैं वो भारत आ जाएंगे। क्या हम इन शरणार्थियों को रोजगार देंगे? हमारे रोजगार उनके बच्चों को देना चाहते हैं, हमारे हक के घर उनमें पाकिस्तानियों को बसाना चाहते हैं। भारत सरकार का जो सरकारी पैसा हमारे परिवार और देश के विकास पे खर्च होना चाहिए, वो पैसा पाकिस्तानियों को भारत में बसाने पे खर्च किया जाएगा। अरविंद केजरीवाल ने बहुत ही तीखे सवाल बीजेपी से पूछे। उन्होंने पूछा कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। कुछ लोगों का कहना है कि ये वोट बैंक की राजनीति का हिस्सा है। इन सब के ऊपर केजरीवाल ने चुनाव के मद्देनजर जो सवाल पूछे हैं, आप वो भी सुन लीजिए। कि ये पूरा का पूरा खेल वोट बैंक बनाने की गंदी राजनीति है। इन तीनों देशों से 1.5-2 करोड़ लोगों को अगर भारत ले आया गया और उनको चुन चुन के इस तरह से देश के अलग अलग भागों में बसाया गया जिससे जहां जहां बीजेपी के वोट कम हैं वहां झुग्गियां डाल के अगर इन लोगों को वहां बसाया गया तो वहां बीजेपी का एक पक्का वोट बैंक तैयार हो जाएगा, बीजेपी के वोट बढ़ जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कुछ ऐसे सवाल पूछ दिए जिसका जवाब जनता चाहती है। उन्होंने ये साफ सवाल पूछा है कि देश में अभी भी कुछ लोग हैं जिनके पास रहने को घर नहीं है, खाने को खाना नहीं है और रोजगार नहीं है, और ऊपर से जब दूसरे देशों के शरणार्थी भारत में आकर के रहेंगे, बसेंगे, तो क्या मोदी सरकार, क्या बीजेपी उन्हें रोजगार, खाना पीना और रहने की जगह देगी? और सबसे बड़ा सवाल उन्होंने ये भी कहा है कि आगे आने वाले समय में ये जो लोग आएंगे बाहर से भारत में रहने के लिए, वो पीएम मोदी का, बीजेपी का वोट बैंक बन जाएंगे। इन तीन देशों में लगभग 2.5 से 3 करोड़ अल्पसंख्यक हैं। ये तीनों बहुत गरीब देश हैं। जैसे ही भारत के दरवाजे खुलेंगे इन तीन देशों से भारी भीड़ हमारे भारत में आ जाएगी। अगर इन 2.5-3 करोड़ में से 1.5 करोड़ लोग भी भारत आ गए तो कौन देगा इनको रोजगार? कहाँ बसाओगे इनको? बीजेपी वाले अपने घर में बसाएंगे क्या इनको? इनके अपने घर में रखेंगे क्या इनको? बीजेपी वाले देंगे क्या इनको रोजगार? कौन देगा इनको रोजगार? आपकी इस बारे में क्या राय है कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसे तमाम बड़े खबरों के लिए देखते रहिए एबीपी लाइव। मैं